आज दो राज्यों में तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पीएम मोदी करेंगे धुआंधार प्रचार। तमिलनाडु के वेल्लोर, कोयंबटूर और महाराष्ट्र के रामटेक में एनडीए के लिए मांगेंगे। आज बिहार और बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह चुनावी रैली करेंगे। दोपहर 12 बजे दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट और दोपहर 3 बजे बिहार के गया में रैली करेंगे शाह। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद आज बिहार में अमित शाह की पहली जनसभा। गुरारू की धरती से गया और औरंगाबाद लोकसभा सीट को साधेंगे। गया से जीतन राम मांझी है एनडीए के प्रत्याशी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार। सहारनपुर और संभल में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। पहले चरण के चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में सीएम योगी भरेंगे हुंकार। मुजफ्फरनगर और मेरठ के बॉर्डर पर स्थित राधना गांव में भी योगी की सभा। आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दोपहर 1 बजे विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे संकल्प पत्र। एक रैली को भी करेंगे संबोधित। मुंबई के शिवाजी पार्क की रैली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की बड़ी घोषणा। लोकसभा चुनाव में बिना शर्त पीएम मोदी को समर्थन देने का ऐलान किया। राज ठाकरे को लेकर पिछले कई दिनों से था सस्पेंस। राज ठाकरे के समर्थन देने पर देवेंद्र फडणवीस ने जताई खुशी। सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में राज ठाकरे के सहयोग का आभारी। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, कांग्रेस और एनसीपी के छलावे में फंस गए उद्धव, उन्होंने छोड़ दिया हिंदुत्व का रास्ता। टूटे हुए व्यक्ति को जोड़ा जा सकता है पर टूटी हुई आइडियोलॉजी को नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे का फैसले का स्वागत किया। कहा, देश को और आगे बढ़ाने के लिए एमएनएस ने किया महायुति को समर्थन। कांग्रेस उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी हो गई है। 6 लोकसभा की और आंध्र प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। आंध्र प्रदेश में साथ साथ हो रहे हैं विधानसभा चुनाव। बालाघाट में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, कभी कांग्रेस अपनी शिकायतें लेकर दूसरे देशों के पास जाती थी लेकिन अब दूसरे देश आते हैं भारत के पास। असम के डिब्रूगढ़ में अमित शाह का मेगा शो। बीजेपी प्रत्याशी सर्बानंद सोनोवाल के लिए किया 5 किलोमीटर लंबा रोड शो। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। बीजेपी को भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ साथ दलित और किसान विरोधी भी बताया। कहा, बीजेपी किसानों का कल्याण नहीं चाहती। चुनाव से पहले अमेठी में संगठन को मजबूत करने में जुटी मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी। आज मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ करेंगी बैठक। कार्यकर्ताओं को सिखाएंगी चुनाव जीतने के मंत्र। और चुनावी मौसम में सीएम अरविंद केजरीवाल, राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं उसी से जुड़ी हुई खबर। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से आज मुलाकात नहीं कर पाएंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान और सांसद संजय सिंह। दोपहर 1 बजे होने की मुलाकात। तिहाड़ जेल ने सुरक्षा का हवाला देकर नहीं दी केजरीवाल से मुलाकात की इजाजत। तिहाड़ जेल को मेल के जरिए मुलाकात के लिए मिला था एक लेटर। जेल प्रशासन ने इजाजत देने से किया इनकार। राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज आएगा फैसला। केजरीवाल ने हफ्ते में 5 बार अपने वकील से मुलाकात करने की इजाजत मांगी है। अभी हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन वकील से मिलने की इजाजत। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर तीसरी याचिका दाखिल। दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका 10 अप्रैल को होगी सुनवाई। पहले ही 2 याचिकाएं हो चुकी हैं खारिज। दिल्ली में बीजेपी आज फिर से सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खोली की मोर्चा। इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आईटीओ के पास होगा प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई। मनीष सिसोदिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे पेश। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सौरभ भारद्वाज बोले, हम हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे अपनी बात। ईडी की गिरफ्तारी है गैरकानूनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का, स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल ने शराब घोटाला किया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। केजरीवाल को फौरन सीएम पद से दे देना चाहिए इस्तीफा।
गिरफ्तारी, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी की तल्ख प्रतिक्रिया, कहा कोर्ट के आदेश ने आम आदमी पार्टी को दिखाया आईना, केजरीवाल को बताया किंग पिन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।